चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की चर्चा चारों तरफ है। कारण ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे हाथ मिलाया और चीन के रक्षा मंत्री से नहीं, उन्होंने उन्हें दूर से ही नमस्ते कर लिया। इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगहियां हो रही है कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं। तो चाइना इंडिया दे आर वेरी क्लोज टू द ब्रेक थ्रू इन द फ्यूचर, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उन दोनों ने देख लिया है कि आगे अगर दुनिया की लीडरशिप चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टेबल टॉक से होगा, बायलैटरल टॉक से होगा। अगर समझ नहीं आ रही तो हमें नहीं आ रही। हामिद मीर ने जो कहा है कि बाजवा साहब कहते थे कि हमारे जो टैंकों को जंग लग गया है, ये रस्टेड टैंक से आप इंडिया से लड़ भी नहीं सकते, तेल के पैसे नहीं है, जहाज उड़ता नहीं है, तो उसमें मिसाइल नहीं है, F-16 उड़ता नहीं, फ्रिगेटर चलता नहीं, बंदूक में गोली है नहीं, सिपाही के पास खाना है नहीं, करेक्ट सर। वहां तक गजवा हिंद कोई कह रहा था कि इंडिया तक घोड़े पे चले जाएंगे, आगे तो आप लोगों ने मर्सिडीज बनाई है ना सर, अभी एक मर्सिडीज नहीं आपने मेड इन इंडिया मर्सिडीज निकली है, वो उस फिर आगे उस पर कर लेंगे। उसमें नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा समीकरण चेंज हो रहा है। पहले क्या हुआ करता था 2014-15 से पहले कि अमेरिका अच्छे खासे पैसे दिया करता था इन भाई साहब को, क्या पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अच्छे खासे उसमें से करप्शन करता था। उसके अलावा नेटो की मेंबरशिप तो पाकिस्तान को ऑफर नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को ऑफर हुआ था, या फिर कहे कि नेटो का अलाय था, अमेरिका का अलाय था, कई सारे ऐसे ऐसे अलग अलग टर्म्स होते, पार्टनर होते, अलाय होते, कई सारी चीजें होती, तो नेटो अलाय था पाकिस्तान। अब हो ये रहा है कि जो जो समीकरण है ना जियोपॉलिटिक्स, वो चेंज हो रही है। अब इंडिया रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, दोनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। पहले क्या हुआ करता था कि इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन अच्छे थे तो पाकिस्तान के बाय डिफॉल्ट अमेरिका के साथ चला जाता था, लेकिन अब दोनों के साथ इंडिया के अच्छे हैं तो पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है। लेकिन डिस्कस यहाँ पर ये हो रहा है कि आखिरकार हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि अगर हम वहां पर जा रहे हैं तो आखिरकार हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अगर किसी बड़े कंट्री के साथ आप अलाय होते हो तो छोटे कंट्री को डेफिनेटली फायदा होता है। जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट थी, ना ही रशिया से ना ही अमेरिका से उसने कुछ लिया है, ना ही दिया है, हाँ बिजनेस किया है लेकिन कुछ लिया नहीं है, कोई एड बेड ऐसे नहीं लिए कि बिलियंस में आती हो, ठीक है। इंडिया ने खुद का यहाँ पर बनाया है, लेकिन पाकिस्तान इसीलिए अमेरिका के साथ अटैच था क्योंकि उसको पैसा मिलता था। क्या चाइना उस तरीके से पैसा देगा? नहीं देगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की चर्चा चारों तरफ है। कारण ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे हाथ मिलाया और चीन के रक्षा मंत्री से नहीं, उन्होंने उन्हें दूर से ही नमस्ते कर लिया। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ मिलाते हुए ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीर नंबर दो, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ खिलखिलाते हुए हाथ मिलाते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तस्वीर नंबर तीन, यह है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ तजाकिस्तान, इनसे भी प्रसन्नता के भाव में हाथ मिलाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बारी आती है तस्वीर नंबर चार की, चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हुए राजनाथ सिंह। ना कोई चेहरे पर भाव, ना कोई खुशी, एक सामान्य अतिथि को रक्षा मंत्री का दूर से बिना हाथ मिलाए नमस्कार। इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगहियां हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुझा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था, हम इंडिया के साथ मामला जो हमने खराब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने खराब कर रहे हैं। तो चाइना इंडिया दे आर वेरी क्लोज टू द ब्रेक थ्रू इन द फ्यूचर, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उन दोनों ने देख लिया है कि आगे अगर दुनिया की लीडरशिप चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, टेबल टॉक से होगा, बायलैटरल टॉक से होगा। अगर समझ नहीं आ रही तो हमें नहीं आ रही। मैं समझता हूं बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि इस चीज अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को साफ करती, वो जो कुछ जम्मू के अंदर हुआ है अपॉर्चुनिटी इसको समझ के, और भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करते और वहां से लर्न करने की कोशिश करते, कॉपी करने की कोशिश करते। नफरतें और दुश्मनियों में आपने अपने आप को जो घर को जला रहे हैं, ये ज्यादती है, बहुत सख्त ज्यादती। आपसे तो बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी बेहतर है, इकॉनमी भी आपसे बेहतर है। यू आर टचिंग द, वो कहते हैं पस्तियों की, आप पस्तियों से नई नई उसकी
जो है गहराइयों में जा रहे हैं। अब आपको लोग गाना, सोमालिया और इस तरह के लफ्ज आपको देना शुरू हो चुके हैं। अगले दिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग आई है, नीचे से आप तीसरे चौथे नंबर पर हैं। और हामिद मीर ने जो कहा है कि बाजवा साहब कहते थे कि हमारे जो टैंकों को जंग लग गया है, ये रस्टेड टैंक से आप इंडिया से लड़ भी नहीं सकते। मुलाकात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट करते हैं, ट्वीट में भी वो सबसे हाथ मिलाते हुए तस्वीर जारी करते हैं और ये बताते हैं कि सभी से मुलाकात काफी रोचक और अच्छी रही, लेकिन चीन के साथ मुलाकात की एक सामान्य तस्वीर जारी करते हैं और फिर पूरी की पूरी एक प्रेस रिलीज का लिंक। चीन के रक्षा मंत्री से क्या बात हुई, मतलब भारत का रुख साफ है और चीन के साथ संबंध इस वक्त किस दौर में है वो भी ये तस्वीरें बताने समझाने के लिए काफी है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से चीनी रक्षा मंत्री से कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंधों का विकास सीमाओं पर शांति और शांति के प्रसार पर ही आधारित होगा। उन्होंने कहा है कि एलएसी पर सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के मुताबिक हल करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आधार को खत्म कर दिया है और सीमा पर पीछे हटने का तार्किक रूप से ही डिस्कलेशन के साथ ही पालन किया जाएगा। पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है, क्या फायदा है? पहले आज से पहले ही होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाब ही नहीं रहा है। पहले जवाब रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो हामिद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी, आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। तेल के पैसे नहीं है, जहाज उड़ता नहीं है, तो उसमें मिसाइल नहीं है, F-16 उड़ता नहीं, फ्रिगेटर चलता नहीं, बंदूक में गोली है नहीं, सिपाही के पास खाना है नहीं, करे क्या? अब DGISPR से आप ये पूछे, वो जो कह रहे हैं भारत में जाके जंग लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे आप? मतलब आप घोड़े पे चढ़ के आएंगे, बाला लेके आएंगे, फरसा लेके आएंगे, तीर कमान लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? सर वहां तक गजवा हिंद कोई कह रहा था कि इंडिया तक घोड़े पे चले जाएंगे, आगे तो आप लोगों ने मर्सिडीज बनाई है ना सर, अभी एक मर्सिडीज नहीं आपने मेड इन इंडिया मर्सिडीज निकली है, वो उस फिर आगे उस पे कर लेंगे, उस टेंशन वही मैं कह रहा हूँ। पीछे मैं किसी से इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने बोला यार ये गजवाए हिंद कैसे होगा, बिजली तो है नहीं। तो कल मैं उन्हें कह रहा था, मैं कब तो दूसरी समस्या हो गई, अब बिजली तो है नहीं, अब तो खाना भी नहीं बचा, चलिए अब घोड़े पे भी आएंगे, सिपाही को तो खाना चाहिए, घोड़े को तो चारा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो या आपने कोई लठेतों की रेजिमेंट बनाई हो, आपने घुड़सवारों की कोई रेजिमेंट बनाई हो। अब तो कल मैं ये भी सुन रहा था कि आपके कोई आर्मी वाले कह रहे थे कि भाई भारत से जंग नहीं, जहाद करना है। पहले जहाद के नाम पे तो आप आतंकवादी संगठन चलाते थे, 30 साल तक आपने आतंकवादी संगठन चलाया जहाद जहाद का नाम लेके, अब फौजी को भी जहाद के नाम पे चला रहे, क्योंकि वो जो पूछता साहब टैंक तो है नहीं, फौजी पूछता साहब टैंक तो है नहीं, जहाज उड़ता नहीं है, अब ये ड्रोन चलता नहीं है, बंदूक में गोली नहीं, पेट में खाना नहीं, बोलते कोई बात नहीं बेटा जहाद कर ले, अब जहाद के नाम पे तो निकल ही जाएगा, कह रहे कोई बात नहीं तो कुछ नहीं है तो जहाद करने चला जाएगा। कि बिलावल के जाने से पहले ये स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बिलावल जब जाते हैं इंडिया? मेरे ख्याल में जो जितनी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं उस दौरे की वजह से अब इनको जाने नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये कि हमें कौम का पेट्रोल जाया करेंगे, कौम के पैसे जाया करेंगे। मैंने बताया जब रेस शुरू होने से पहले हथियार फेंक दिए जाए कि नहीं जी हमने तो रेस लगानी ही नहीं, तो क्या फायदा? अब सिर्फ वहां पे इन्होंने खाबे खाने जाना है तो वो इधर ही खा लें, कहीं बैठ के खाना छाना खाना। जाने से पहले आप खुद कह रहे हैं कि बायलैटरल डायलॉग के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर वहां जा क्या रहे हैं? आप ऑफर क्या कर सकते हैं? आप ले दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कर्जा लेने जा रहे हो, ऐसी वो पैसे देंगे, चंदा मांगने जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो?
जब जाने से पहले ही कह रहे हो कि बायलैटरल, और जाने से पहले ही आपका स्टेट पूरी गवर्नमेंट अगर ये कह रही हो कि हम जंग उनके घर ले जाएंगे, यार खुदा का नाम लो, 21st सेंचुरी में अब जंगों का दौर है, पहले भी आपकी चार जंगे चंद चंद घंटे होती रही हैं, हिस्ट्री बताएं लोगों को, चार जंगे, वो तो कहते हैं आप चारों जंगे आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।